नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का मियागंज अब मायागंज बनेगा। उन्नाव के डीएम ने योगी सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के लिए एक और बड़ी और अच्छी खबर यह है कि यूपी डिफेंस कॉरिडोर में अब ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण होगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात की है। आपको बता दें, डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नॉर्थ में ये ब्रह्मोस प्रोडक्शन सेंटर का निर्माण होगा, जो कि उत्तर प्रदेश के लिए डिफेंस के क्षेत्र में एक बड़ी खबर है। इस पर विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में शहरों, जिलों, रेलवे स्टेशन के साथ साथ ग्राम पंचायतों का नाम बदलने की कवायद तेज हो गई है। मुगलों की निशानी को उत्तर प्रदेश से मिटाना है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। इलाहाबाद, फैजाबाद, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़ के बाद अब उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की ग्राम पंचायत का नाम बदलने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को भेज दिया गया है। दरअसल ग्राम पंचायत है उन्नाव की मियागंज, जिसका नाम बदलकर अब मायागंज रखने की तैयारी शुरू हो गई है। फिलहाल आपको बता दें, इसके लिए उन्नाव के डीएम रविंद्र कुमार ने योगी सरकार को एक प्रस्ताव भेज दिया है, चिट्ठी भेज दी है। आपको बता दें, ग्राम पंचायत मियागंज की एक सार्वजनिक बैठक हुई, जिसमें नाम बदलने को लेकर ये प्रस्ताव पारित किया गया और हर किसी ने मियागंज का नाम बदलकर मायागंज किया जाए, इस पर मुहर लगाई है। जिसके बाद अब उन्नाव के डीएम ने यह प्रस्ताव योगी सरकार को भेज दिया है और अब प्रशासन की मुहर लगना बाकी है। तो एक बार फिर से जो नाम बदलने की कवायद है उत्तर प्रदेश में, वो तेज हो चुकी है। इससे पहले अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ रखा जाए, इसको लेकर भी प्रस्ताव योगी सरकार को भेज दिया गया है और अब उन्नाव का मियागंज जो है उसका नाम बदलकर मायागंज रखा जाएगा और आने वाले वक्त में इस पर मोहर भी लग जाएगी। आपको बता दें, 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा था कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो मियागंज के स्थान पर मायागंज नाम रखा जाएगा। इसकी घोषणा उनकी तरफ से की गई थी और अब उसके बाद ये नाम बदलने की जो कवायद है वो तेज हो चुकी है। हालांकि इसको लेकर राजनीति भी उत्तर प्रदेश में गहराई हुई है, जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियां, खासतौर पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये कह रही है कि नाम बदलने से विकास नहीं होता है, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक ये कहा है कि हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं वो मुगल नहीं हो सकते हैं। उनके नाम पर जितने भी शहरों, गांव और कस्बों के नाम रखे गए हैं उन्हें बदला जाएगा। मुगलों की निशानी को उत्तर प्रदेश से खत्म किया जाएगा। और इसी कड़ी में लगातार ये सिलसिला जो है 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में जारी है। आपको बता दें, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रखा गया था और उसके बाद से यह सिलसिला लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में तमाम बड़े जो शहर हैं, जिले हैं, उनका नाम बदला गया है, फिर चाहे वो इलाहाबाद हो या फिर फैजाबाद हो। आपको बता दें, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज और फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या रखा गया है। तो लगातार नाम बदलने की जो कवायद है उत्तर प्रदेश में, अब वो तेज हो चुकी है। लगातार रेलवे स्टेशन से लेकर जो यूनिवर्सिटी है, जो कि मुगल के नाम पर, उनके शासकों के नाम पर रखी गई है, उनका नाम बदलने की कवायद लगातार जारी है। तो उत्तर प्रदेश लगातार 2017 के बाद नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। नए रिकॉर्ड्स जो हैं वो योगी आदित्यनाथ की सरकार में उत्तर प्रदेश ने अपने नाम किए हैं, फिर चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, तमाम जो सुविधाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर हुई हैं। इसके अलावा रोजगार के मामले में भी उत्तर प्रदेश लगातार जो युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा रहा है। इसके अलावा कोरोना जैसे चुनौतीपूर्ण वक्त में भी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नहीं डगमगा, लगातार बेहतर कार्य जो हैं वो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं और अब उत्तर प्रदेश को देश के सबसे बड़े
और उन्नत रक्षा विनिर्माण केंद्र यानी मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने को लेकर अब यूपी के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में काफी तेजी जो है वो देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 300 करोड़ रुपए की लागत से ब्रह्मोस प्रोडक्शन सेंटर बनेगा। अब यूपी में सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल के नेक्स्ट जनरेशन का उत्पादन होगा, जो कि अपने आप में उत्तर प्रदेश के लिए एक बेहद अच्छी और बड़ी खबर है। आपको बता दें, ब्रह्मोस एक कम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में इसके निर्माण से डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में तेजी आएगी। बल्कि उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस प्रोडक्शन सेंटर का बनना रोजगार का मौका भी युवाओं को देगा। ये अपने आप में उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। रक्षा क्षेत्र में कार्यरत देशी और विदेशी कंपनियों ने उत्तर प्रदेश के इस पहले डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश करने की पहल तो की ही है, लेकिन इस बारे में ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ सुधीर कुमार मिश्रा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी हाल ही में मुलाकात की। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान उन्होंने डिफेंस कॉरिडोर में ब्रह्मोस मिसाइल बनाए जाने से जुड़ी योजनाओं के बारे में मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की और इस मुलाकात में ब्रह्मोस मिसाइल बनने के लिए लखनऊ नॉर्थ में 200 एकड़ भूमि आवंटित की जाने पर सहमति जता दी गई है। लखनऊ नॉर्थ में ब्रह्मोस मिसाइल बनने के लिए आपको बता दें, जो भूमि आवंटित की गई है उस भूमि पर 300 करोड़ रुपए निवेश कर ब्रह्मोस प्रोडक्शन सेंटर अब बनाया जाएगा, जिसमें करीब 500 इंजीनियर और टेक्निकल लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। इसके अलावा करीब 5000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा और 10000 लोगों को इस प्रोडक्शन सेंटर से काम मिलेगा, यानी रोजगार उपलब्ध होगा लोगों को अगर ये प्रोडक्शन सेंटर का निर्माण उत्तर प्रदेश में होता है। आपको ये बता दें, ना सिर्फ लखनऊ बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में अब इन प्रोडक्शन सेंटर का निर्माण होगा, जो कि डिफेंस के क्षेत्र में काफी होगा जिन पर। तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में लगातार ये जो प्रगति हो रही है, 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने और उसके बाद हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश नए रिकॉर्ड हासिल कर रहा है। तो जाहिर तौर पर इन सेंटर में रिसर्च और डेवलपमेंट का कार्य भी होगा। 100 से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइल अगले 3 साल में बनाए जाने की योजना भी तैयार की गई है। ब्रह्मोस प्रोडक्शन सेंटर के चलते अब उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में डिफेंस सेक्टर में कार्य करने वाले दूसरी कई नामी कंपनियों को उत्तर प्रदेश में लेकर आएगी। आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2018 में इन्वेस्टर समिट के दौरान उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बनाने की घोषणा की थी और उन्होंने तब ये ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट, झांसी, आगरा और अलीगढ़ नॉर्थ में डिफेंस कॉरिडोर सेंटर स्थापित करेगी। फरवरी 2020 को लखनऊ में जब डिफेंस एक्सपो आयोजित किया गया, उस दौरान रक्षा उत्पाद से जुड़ी देशी और विदेशी कंपनियों ने कॉरिडोर में निवेश करने के लिए 50,000 करोड़ के एमओयू किए थे और उसके बाद से लगातार जो कंपनियां हैं वो उत्तर प्रदेश में निवेश करने पर दिलचस्पी दिखा रही हैं। ना सिर्फ लखनऊ बल्कि अलीगढ़, इसके अलावा कानपुर और झांसी में भी अलग अलग कंपनियों ने सरकार से जमीन मांगी है, यानी उन्हें प्रस्ताव भेजा है कि उन्हें जमीन दी जाए ताकि वो अपने जो कारोबार है वहां स्थापित कर सके। तो ये उत्तर प्रदेश में अब डिफेंस के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए, इसी कड़ी में लगातार कार्य हो रहे हैं। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की इस घोषणा के बाद 3 सालों में उत्तर प्रदेश के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 65 बड़ी कंपनियों ने अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए सरकार से जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, जिनमें से 19 बड़ी कंपनियों को बीते दिनों यूपीडा ने 55.4 हेक्टेयर भूमि आवंटित भी कर दी है। यानी लगातार जो कार्य है वो शुरू किया जाए, इस कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। लेकिन फिलहाल अगर उत्तर प्रदेश में अब ब्रह्मोस
मिसाइल का निर्माण होता है तो जाहिर तौर पर यह उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए एक बड़ी सफलता होगी। उत्तर प्रदेश में न सिर्फ रोजगार के जो अवसर हैं वो लोगों को मिलेंगे तो जाहिर तौर पर रक्षा के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य होगा जो मजबूत होगा। जहां तक ब्रह्मोस मिसाइल की बात है, एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसे पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, विमान से या जमीन से भी छोड़ा जा सकता है। ये 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है और रडार की पकड़ में नहीं आती है, ये इसकी खासियत है। ब्रह्मोस अमेरिका की टॉमहॉक से लगभग दोगुना ज्यादा तेजी से वार कर सकती है। इसकी प्रहार क्षमता भी टॉमहॉक से कहीं ज्यादा है। आपको बता दें, रूस की एनपीओ कंपनी और भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने संयुक्त रूप से इसका विकास किया है। ये रूस की P-800 ऑकिंस क्रूज मिसाइल की प्रौद्योगिकी पर आधारित है और अब भारत में इसका निर्माण हो रहा है, उत्तर प्रदेश में इसका निर्माण होगा। तो उत्तर प्रदेश में लगातार योगी सरकार जिस तरीके से विकास के तमाम कार्य कर रही है, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में भी उत्तर प्रदेश विकास करे, इस कड़ी में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में तेजी लाने के लिए अब ब्रह्मोस प्रोडक्शन सेंटर बनाने की जो कवायद है वो तेज हो चुकी है। इस पर मुहर भी लग चुकी है, भूमि आवंटित की जा चुकी है, जो कि उत्तर प्रदेश के लिए अब अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को धन्यवाद भी दिया है। आपको बता दें, फिलहाल जमीन फाइनल कर दी गई है और उसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर सितंबर तक इस परियोजना का शिलान्यास कराने की भी योजना अब उत्तर प्रदेश में चल रही है। तो जिस तरीके से पिछली सरकारों में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से लेकर तमाम जो विकास कार्य थे वो कहीं ना कहीं रुके पड़े थे और माफियाओं, गैंगस्टर और तमाम जो भ्रष्टाचारी हैं उन्हें जगह दी गई थी, लेकिन अब उन तमाम लोगों पर गाज गिर चुकी है। तमाम अधिकारी जो थे भ्रष्ट थे उन पर शिकंजा कसा गया है, माफियाओं और गैंगस्टर को उनकी जगह पहुंचाया गया है। उत्तर प्रदेश लगातार विकास कार्य तेजी से उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, तमाम नए उपलब्धियां हासिल कर रहा है और अब अगर उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ये उपलब्धि हासिल करता है तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।